तो यार आई एम एनजे शर्मा एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है रेसलिंग मसला की तरफ से, ये पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है। तो भाई मेरा पूरा नाम है नीरज शर्मा और मैं 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है WWE उर्दू न्यूज़ चैनल की ओर से, ये पूछते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल के लिए। तो भाई मैं वीवा वीडियो प्रो ऐप यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए एंड थंबनेल बनाता हूँ पिक्सार्ट ऐप से। अगला क्वेश्चन है हर्षल ट्रिक्स की ओर से, ये पूछते हैं कि भाई तू किधर रहता है। तो भाई मैं इंदौर MP में रहता हूँ, आपने नाम तो सुना होगा। और यार इंदौर को भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी कहा जाता है। तो यार अब अगला क्वेश्चन आता है WWE रेसलिंग भाई का, वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और प्लीज आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। और भाई जहां तक प्रमोट करने की बात है आपके चैनल को, तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन अभी उस लायक हमारा चैनल बन जाए थोड़ा, ताकि यार आपको भी उससे कुछ प्रॉफिट हो। तो यार अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये पूछा है RJ डीन एम्ब्रोस ने, ये पूछते हैं कि भाई फेस कैम कब आएगा। तो यार फेस कैम आएगा मेरा 2019 में, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपेंद्र महावर जी ने, ये पूछते हैं कि जॉन सीना कब अपना रिटर्न करेंगे WWE में और कब बनेंगे 17 टाइम WWE चैंपियन। तो यार अकॉर्डिंग टू द र्यूमर जॉन सीना रिटर्न करेंगे समर स्लैम से पहले पहले और बन सकते हैं 17 टाइम चैंपियन समर स्लैम के मेन इवेंट में। और समर स्लैम का मेन इवेंट हो सकता है शिंसके नाकामुरा वर्सेस जॉन सीना, और इसमें थर्ड पर्सन AJ स्टाइल्स भी ऐड हो सकते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेसलिंग एक्सपर्ट ने, ये पूछते हैं कि आपका क्या कहना है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बारे में। तो यार AJ स्टाइल्स WWE की इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक हैं। उनके पास में काफी शानदार मूव्स हैं, काफी अच्छे फिनिशर्स हैं, काफी अच्छी माइक स्किल्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक अच्छे डैड, अच्छे इंसान एंड अच्छे हस्बैंड भी हैं। तो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल मीना जी का, और इन्होंने पूछा है कि महाबली शेरा एंड EC3 कब करेंगे रॉ स्मैकडाउन में एंट्री। तो भाई ये सब डिपेंड करेगा कि कब EC3 या महाबली शेरा जीतते हैं NXT चैंपियनशिप या वहां का और कोई सा टाइटल। बिकॉज सर ये सब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी एक सुपरस्टार वहां पर पॉपुलर होता है और टाइटल जीतता है। और अब रेसलिंग ट्रैव ने लिखा है 200 सब्सक्राइबर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3DX चेतन ने, तो चेतन भाई यार मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था कि आपने मेरे चैनल पर कमेंट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। तो भाई आपका क्वेश्चन है इफ़ यू एवर मीट AJ स्टाइल्स व्हाट विल बी योर रिएक्शंस इफ ही इज योर फेवरेट, और AJ स्टाइल्स इज योर फेवरेट और नॉट। तो भाई AJ स्टाइल्स मेरे फेवरेट रेसलर हैं, एंड यार AJ स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार से मिलना एक सपने की तरह है मेरे लिए, और मेरा रिएक्शन भी हर एक AJ स्टाइल्स के फैन की तरह ही होगा, एंड वो मोमेंट मेरे लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में से एक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसलिंग मसला की ओर से, ये पूछते हैं कि भाई आप वीडियो कैसे एडिट करते हो एंड थैंक्स भाई फॉर गिविंग न्यूज डेली। तो भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे वीडियो एडिट करते हो, एंड मैं वीडियो एडिट करता हूँ वीवा वीडियो प्रो ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWE गपशप की ओर से, और ये पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेसलिंग कैटेगरी का चैनल बनाने का ख्याल कहाँ से आया। तो यार रेसलिंग तो मैं 2012 से देखता हूँ TNA WWE और ये सब, तो मुझे काफ़ी नॉलेज था इसके बारे में, तो मैंने इसीलिए चैनल बनाया। सेकंड क्वेश्चन है फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो भाई फ्यूचर प्लान्स कुछ भी नहीं है और मैं यूट्यूबर क्विट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फैमिली एंड फ्रेंड्स में से सभी को पता है कि क्या आपका यूट्यूब चैनल है, यस भाई सबको पता है। फोर्थ क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा ऐप या माइक यूज़ करते हो। तो यार भाई मेरे पास माइक तो नहीं है, लेकिन मैं वीवा वीडियो प्रो ऐप का यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए एंड पिक्सार्ट ऐप से थंबनेल बनाता हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन, भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि WWE गपशप का चैनल कभी ग्रो होगा। बिल्कुल भाई आपका चैनल 100% ग्रो करेगा, एंड इस बात में कभी भी डाउट मत रखिएगा यार कि मतलब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ व्यू नहीं आ रहे हैं ऐसा वैसा। आप बस कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कीजिए एंड उसके बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है कि आपका एक ही वीडियो वायरल हो जाए एंड उसके बाद में आपका चैनल आराम से ग्रो कर जाए। एंड थैंक यू सो मच भाइयों, आपने इतने क्वेश्चंस पूछे और मैंने इनका आंसर भी आपको दिया। तो यार अगर इस वीडियो में मैंने कोई मिस्टेक की हो या मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया हो या फिर ये वीडियो को ज़्यादा बोरिंग हो गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई लोग। एंड दोस्तों ये हमारे चैनल का लास्ट वीडियो है, एंड अब इसके बाद हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आएंगे। और यार यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा था और मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, और ये सब आपके प्यार और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से ही हो पाया और उससे ही मुझे बहुत हिम्मत मिली। सो गाइस इन द एंड बस इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब भी वापस आऊँगा यूट्यूब पर, तब मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी मिलेंगे।